अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑफ एनिमी कैरेक्टर ड्राइंग। आई होप यू आर लाइक दिस। और सबसे पहले अब हमने एक लाइन ड्रॉ की है, क्योंकि हमने एनिमी की जो वन साइड बनानी है, तो हमने लाइन ड्रॉ किया। अब उसके बाद हम सबसे पहले उसका मास्क बनाएंगे, क्योंकि एनिमी ने मास्क जो है वो वेयर किया हुआ है। अब हम उसका जो है मास्क बना रहे हैं। अब हमारा जो मास्क है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम उसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, क्योंकि हमने पहले रफ बनाया था, अब हम उसको सेट कर लिया। अब हम इसकी जो नेक है वो बना रहे हैं, क्योंकि इसकी हाफ साइड है, तो इसलिए हाफ साइड नेक की आएगी। अब हमने नेक इसकी ड्रॉ कर लिया। अब ये जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसको हम थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। अब हम उसके जो हेयर्स हैं वो बनाएंगे। अब आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी बना सकते हैं, क्योंकि एक एनिमी कैरेक्टर है। आपकी मर्ज़ी, आप उसके हेयर अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं। हेयर भी हम हाफ बनाएंगे, क्योंकि एनिमी की हाफ साइड ही हमने बनानी, तो इसलिए हेयर जो है वो भी हम हाफ बनाएंगे। अब हम हेयर्स को थोड़ा सा नीट कर लेंगे, उनके ऊपर दोबारा से एक दफ़ा पेंसिल कर देंगे, ताकि वो थोड़े से नीट लगे। अब हम थोड़ा सा इस साइड पर भी हेयर बना देंगे, ताकि जो एनिमी का फेस है वो अच्छा लगे। अब हम उसका ईयर बना रहे हैं। ईयर में हम डिटेल्स ऐड कर देंगे ईयर की। अब हमारा ईयर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम उसके आईब्रोज बनाएंगे। आईब्रो जो है हम वो एक ही बनाएंगे, क्योंकि उसकी हाफ साइड है। आईब्रो बनाएंगे हम, अब उसकी एक वन आई बनाएंगे। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि ये एनिमी कैरेक्टर है, आप अपनी मर्ज़ी से इसकी आई भी बना सकते हैं। अब हम आईब्रो को फिल कर देंगे पेंसिल से, उसको पूरा कलर कर देंगे आईब्रो को। आई है उसमें थोड़ी सी शेडिंग करेंगे, उसमें डिटेल्स ऐड करेंगे। आई के जो वायर वाला हिस्सा है उसमें हम थोड़ी सी शेडिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर वो जो मैंने एक हेयर बनाया था लाइन के साथ वाला, वो उसकी मैंने शेप जो चेंज कर दी थी, क्योंकि वो ना जो पहले बनाया था वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने उसकी शेप जो थी वो चेंज कर दी। अब हम पूरे जो हमने एनिमी कैरेक्टर बनाया उसके दोबारा से हम मेट करेंगे, उसके ऊपर दोबारा से पेंसिल करेंगे कि वो अच्छा लगे। अब हम ईयर पे पहले करेंगे, उसके बाद हम बाकी उसके करेंगे। अब हम उसके नेक को करेंगे। यहाँ पर मेरे पास जो ब्लेंडर पेंसिल थी वो नहीं थी, क्योंकि वो मैंने ऑर्डर की थी तो अभी तक आए नहीं, तो इसलिए हम उसको हाथ से ब्लेंड कर लेंगे पेंसिल को। अब इसके
की नेक को हम थोड़ा सा नीट करेंगे, थोड़ा सा इसको शेयर कर देंगे क्योंकि एनिमल कैरेक्टर जो होता है वो ऐसा होता है। कंप्लीट कर लिए, अब हम मास्क की तरफ आते हैं। मास्क को भी हम थोड़ा सा बॉयल करेंगे, उसको नीट करेंगे और उसमें भी हम डार्क, उसको भी डार्क कर देंगे। इतना ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, लाइट सा करेंगे। हम इसमें शेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। आप लोगों की मर्ज़ी, आप इसमें शेडिंग करें ना करें, क्योंकि हम सिंपल पेंसिल से बनाया हुआ भी अच्छा लग रहा था। आप लोगों की मर्ज़ी है, अगर आपको शेडिंग अच्छी लगती है आप इसमें शेडिंग कर भी सकते हैं, आपको शेडिंग नहीं अच्छी लगती आप शेडिंग नहीं कर सकते, आपकी मर्ज़ी है। मुझे शेडिंग अच्छी लगती है तो इसलिए मैं इसमें शेडिंग भी कर रही हूँ। इसको फिंगर से भी कर सकते हैं, इसको ब्लेंड, या तो हम इसको टिश्यू पेपर से भी कर सकते हैं। अभी मेरे पास ब्लेंडर पेंसिल नहीं थी तो इसलिए मैं इसको फिंगर से ही कर रही हूँ। अब हमने इसको सारा काट दी। अब हम इसके हेयर में शेडिंग करेंगे कि उसके जो हेयर हैं वो अच्छे लगेंगे। हमने उसके बाकी पूरे मास्क में भी शेडिंग की है, नेक में भी शेडिंग की है, तो इसलिए हम हेयर्स में भी शेडिंग करेंगे कि थोड़ा सा वो भी अच्छा लगे। शेडिंग आप डार्क भी कर सकते हैं या लाइट, आप लोगों की मर्ज़ी है, आप जैसे मर्ज़ी कर लें। शेडिंग करते वक्त हम जो हेयर्स हैं उनको दोबारा से आउटलाइन इनकी कर देंगे कि शेडिंग के साथ वो भी ना ब्लेंड हो जाएं, क्योंकि वो उनकी आउटलाइन होगी हेयर्स की, इसलिए हम उनको दोबारा से आउटलाइन कर देंगे कि वो प्रोमिनेंट हो जाएं कि हेयर्स हैं।
शेडिंग जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होने वाली है। उसको हम फुल डार्क कर देंगे, इसमें हम शेडिंग नहीं करेंगे। आप लोगों को मज़े आप इसमें शेडिंग कर सकते हैं, लेकिन हम मैं इसको डार्क कर रही हूँ, इसमें शेडिंग नहीं कर रही मैं। अब हम हेयर्स की जो आउटलाइन है उनको दोबारा से डार्क कर देंगे। और जो हमारा एनिमी कैरेक्टर है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप यू आर लाइक दिस।